लुधियाना फायर ब्रिगेड के कुछ ऐसे कर्मचारी जो दूसरों की जान बचाते हुए खुद शहीद हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दलेरी आज भी हमें देखने को मिल रही है, जिनके नाम इस उपरांत है। लेट सनमोहन गिल सब फायर ऑफिसर, लेट मनोहर लाल लीडिंग फायरमैन, लेट पूरन सिंह लीडिंग फायरमैन, लेट राजन फायरमैन, लेट विशाल फायरमैन, लेट सुखदेव सिंह फायरमैन, लेट मनप्रीत सिंह फायरमैन। लेकिन कुछ आज भी ऐसे कर्मचारी हैं जो आज भी फायर ब्रिगेड में काम कर रहे हैं और अपनी दिलेरी की एक अनोखी मिसाल कायम कर रहे हैं, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। हजूरा सिंह सब फायर ऑफिसर, नरेश कुमार फायरमैन, लवलेश सूद फायरमैन, सौदागर सिंह फायरमैन। आइए आपको अब ले चलते हैं इन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों से मिलवाने के लिए। हम लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं आज, यहाँ पर फायर सर्विस में, फायर ब्रिगेड में जो एम्प्लाई काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं, वो बहादुर सिपाही, वो बहादुर फायर सर्विसमैन नरेश कुमार वर्मा, हजारा सिंह, सौदागर सिंह, लवनीत सूद, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर फायर में फंसे हुए लोगों की जान बचाई, नागपुर से राष्ट्रपति अवार्ड लेकर अमित शाह से, नागपुर से आज वो लौट रहे हैं, जहाँ पर अभी हम उनका स्वागत करेंगे। उनका स्वागत करने के लिए भी उनके जो दोस्त मित्र हैं, सभी लोग लुधियानावासी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में वो नागपुर से लुधियाना में ट्रेन के द्वारा पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं नागपुर से। जी लोग आए यहाँ पे, नरेश कुमार वर्मा जी, लवनीश, सौदागर सिंह, हजारा सिंह और उनके साथी जो हैं, अभी जो सम्मानित होने के बाद आज अमित शाह ने इनको नागपुर में सम्मानित किया था। अपनी फैमिली जो लोग गए थे जहाँ से, आग के शोलों से खेलने वाले जो लोग, जब कहीं आग लगते तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये आग में कूद जाते हैं। आग में कूदने वाले जांबाज, हिम्मत वाले ये लोग आज लुधियाना में अपनी फैमिली के साथ अमित शाह से सम्मानित होने के बाद नागपुर से जहाँ पहुँचे हैं, इनका स्वागत करने के लिए हम जहाँ पर आए हुए हैं लुधियानावासी, मैं भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपकी वीरता को मान्यता देते हुए आपको राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करता हूं। तो श्री नरेश कुमार जी, फायरमैन है पंजाब से, लुधियाना से लोगों की जान बचाई थी, ये दूसरे लोग भी जो इनके साथ हैं लुधियाना से गए थे, ये दिखाइए, आप भी दिखाइए ज़रा, आपका क्या नाम है? हाँ, मलप्रीत सिंह, मलप्रीत सिंह जी, ये भी अपने फायर मैन हैं, इन्होंने भी अपना फायर से खेल के, जिंदगी से खेल के अपनी मौत की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई थी। ये देखिए, इनके पास ये है जो मेडल है, इनको मिला है, ये लुधियाना में पहुंचे हैं, लुधियाना के लोग हैं, ये लुधियाना के लोगों की सेवा करते हैं, जहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। तो इन, हाँ आप भी दिखाइए, आप भी दिखाइए, ये बच्चे देखिए, बच गए थे जब फायर को, फायर लगी थी लुधियाना, 9 लोग शहीद हुए थे, 20 नवंबर 2017 को लुधियाना में जब अग्नि लगी थी, आग लगी थी फैक्ट्री में, तो इनके परिवार के लोग जो थे शहीद हो गए थे। 9 फायरमैन आग बुझाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। तो ये देखे छोटे बच्चे आज उनके मेडल लेके आज यहाँ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुर्बानी दी थी, समाज के लिए, लुधियाना के लोगों के लिए फायर में, आग में अपनी आहुति दी उन लोगों ने, और दूसरों की जान बचाने के लिए 9 लोग, जब 22 नवंबर 2017 को आग लगी थी, तो इन सभी लोगों के 20 नवंबर को आग लगी थी, तो अब ये लोग जिनके घर वाले, परिवार वाले शहीद हुए थे, आज राष्ट्रपति सम्मानित होके आए हैं। तेरा क्या नाम है? तेरे डैडी का क्या नाम था? देखिए, इसका डैडी जो था आग बुझाते हुए, आग की लपेटों में हमेशा के लिए इस बच्चे को छोड़ के चला गया, और सिर्फ बच्चे के पास आज ये मेडल है,
सरकार इनकी क्या मदद करती है, सरकार इनको क्या देती है, जनता इनको क्या देती है, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन इनके घर वाले, इनके परिवार वाले जो इनसे बिछड़ गए, 9 लोग जिनके घर खाली हो गए, उनकी दशा तो ये खुद ही जानते हैं क्या दयनीय स्थिति है इनकी। सब फायर ऑफिसर श्री राजेंद्र कुमार शर्मा, सब फायर ऑफिसर मोहन सिंह, सब मोहन गिल, सब फायर ऑफिसर श्री पूरन सिंह लीडिंग फायरमैन, श्री राजन फायरमैन, श्री सुखदेव सिंह फायरमैन, श्री मनप्रीत सिंह फायरमैन, मनोहर लाल लीडिंग फायरमैन, जिन्होंने जो शहीद हुए हैं 20 नवंबर 2017 को, आज उनका ये परिवार खड़ा है। चाहे हाथों में इनके राष्ट्रपति अवार्ड हैं, लेकिन इनके मन में, दिल में जो त्रासदी है, जो दुख है, वो कोई सहन या कोई देख नहीं सकता। सिर्फ राष्ट्रपति अवार्ड हैं, लेकिन इनका परिवार, इनका घर, इनके सपने सब चकनाचूर हो गए हैं। लेकिन किसके लिए? हमारे समाज के लिए, लुधियाना के लोगों के लिए। हमें सैल्यूट करना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने अपने परिवार को, अपने परिवार के मुखिया को अग्नि में, अग्नि को बुझाते हुए अपना बलिदान दिया। जो लुधियाना वासी है उनको सम्मानित करने के लिए पीछे आया। ये देखिए उनका परिवार, और उनको सम्मानित करने के लिए जो लोग जहाँ पर आए हुए हैं, लुधियाना वासियों के, लुधियाना के लोगों के लिए जान देने वाले इन लोगों के फैमिली मेंबर, लुधियाना के लोग जहाँ पर कितने आए हैं ये अब आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कितना महसूस कर रहे हैं? महसूस तो कर रहे हैं भी, भारत सरकार ने सानू माण बहुत बख्शता, पर असी लुधियाना वासियों अपने लुधियाना दे ये कहने भी सानू इत्थे भी इन्ना माण वध तो वध बख्शा जाए, ताकि असी अपने समाज में, अपने भाईचारे में दिखा सकी भी असी साढ़े बच्चों ने इन्नी कुर्बानी दिती है अपने लुधियाने शहर की खातर। ये कह रहे हैं कि लुधियाना वासियों को भी हमारा सम्मान करना चाहिए, हम उनके लिए जान दी है, आगे से हम बढ़कर और ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे सकें, समाज की सेवा कर सकें। तुझे दसो जी, तुझे किस महसूस कर रहे हो? हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने हमें बहुत सम्मान दिया है, जो हमारे तरफ से जो भी सरकार की फैसिलिटीज बनती है वो हमें बस दी जाए, और हमारे जो अपने जो भाई हमारे या मेरे हस्बैंड यहाँ पर शहीद हुए हैं तो उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि लुधियाना वासियों की तरफ से भी उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, और कभी ज़रूरत पड़ती है तो सारे शहर को। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? दो तीन नौकरियाँ रहियां ने वो और फौरन दित्तियां जान, दो बच्चे दोनों बच्चे जिन्होंने शहीदा नौकरियाँ नहीं अजे तक दित्तियां गई, उन्होंने नौकरियाँ दित्तियां जा। जिन परिवार के लोगों को अभी नौकरी नहीं मिली गई, लेकिन उनके परिवार के लोग शहीद हो गए हैं, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, इनकी ये मांग है। मेरा नाम नमन हंस है। किसकी डेथ? मनोहर लाल जी सर, मनोहर लाल लीडिंग फायरमैन, फायरमैन थे। तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो पंजाब में जो फायर ब्रिगेड है पिछले 70 सालों से है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है पंजाब की हिस्ट्री में, फायर ब्रिगेड की हिस्ट्री में नेशनल लेवल पे अगर अवार्ड दिया गया है, जो कि बड़ी ही हमें गर्व है इस बात पर। और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी उम्मीद है कि जो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है पंजाब फायर सर्विस का, उसे बहुत गर्व होगा अपने। देखो, तुम्हारे फादर हमेशा के लिए आपसे चले गए, बिछड़ गए, तो उसका दुख कितना गया आपको? सर ये आप आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जितना बहुत ही दुख है इस बात का। अगर वो खुद होते और खुद ये मेडल रिसीव करते तो हमें उससे इससे ज़्यादा खुशी होती। एक तरफ हमें गम भी है, लेकिन दूसरी तरफ फ़ख्र ज़रूर है। देखिए उनके परिवार वाले उनको सम्मानित कर रहे हैं, ये देखिए बाप से कैसे बेटा लिफ्ट के प्यार कर रहे हैं, और देखिए सभी लोग जितने भी हैं ये सम्मानित कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सभी लौटे हैं, 2017 में दो फायर हुई थी लुधियाना में, दो आग लगी थी भयानक। एक आग में जो 20 नवंबर को लगी थी,
चीमा चौक के पास, उसमें 9 लोग शहीद हो गए थे, कहीं को तलाश भी नहीं मिली थी। और जैसे सभी लोगों को सम्मानित किया है तो ये रो रहे हैं कुछ लोग। ये सभी लोग जो हैं, लेडीज को लेडी डाल देगी। ये देखिए, और देखिए इनको सभी लोगों को, ये दुख है। ये देखिए हार, ये लोग नागपुर से लौटे आज राष्ट्रपति वार्ड लेके। 9 परिवार के लोग, 9 फैमिली के लोग जलती आग में से बाहर नहीं निकले थे, शहीद हो गए थे। लुधियाना वासियों के लिए, लुधियाना के लोगों के लिए इन्होंने अपनी जान दी। जब आग लगती है तो लोग तमाशा देखते हैं, आग लग गई, लेकिन ये लोग आग में खेलते हैं जाके, जो आग में फंसे होते हैं लोग उनको बचाते हैं। ये लोग नागपुर से लौटे हैं, नरेश कुमार वर्मा, सौदागर सिंह, लवनीश, हजारा सिंह, जो खुद लेके आए हैं अवार्ड, और 9 लोग वो हैं जिनके परिवार वाले अवार्ड लेके आए हैं। मरण उपरांत उनके परिवार वालों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। और देखिए कैसे जे परिवार का मुखिया जब घर से चला जाता है तो लोग, और देखिए ये बालक, देखिए ये अवार्ड को नहीं, अपने परिवार को, अपने पापा को याद कर रहा है जो आग में शहीद हो गया था, जल गया था। 20 नवंबर 2017 में लुधियाना में आग लगी थी चीमा चौक में, वहाँ इस बच्चे का बाप आग में ही शहीद हो गया था। ये उसकी धर्मपत्नी है। सारे मार दे, वो देखिए जो परिवार के लोग उनके मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। घुमा दे सभी तरफ, चारों तरफ घुमा दे, और देखिए जो सब लोग, चार लोग जो खुद मेडल लेके आए हैं, 9 लोग जिनका परिवार मेडल लेके आए राष्ट्रपति से। अमित शाह ने आज नागपुर में इनको अवार्ड दिए हैं, राष्ट्रपति अवार्ड, बहादुरी अवार्ड जो हैं इनको सभी को मिले हैं।